A very very good morning to all of you lovely children. I'm Keshav, your English teacher. Students, today we are going to start our new chapter, We Shall Overcome. And this poem is written by Charles Albert Tindley. आपको poem का name और poet का name दोनों learn कर लें, ठीक है? आपने हम होंगे कामयाब एक हिंदी में poem सुनी होगी. हम होंगे कामयाब एक दिन. ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. ये पोएम आपने हिंदी में सुनी होगी, उसी का इंग्लिश सॉन्ग हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज, ठीक है? लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से, इस पोएम को किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? आपको ये पोएम इसी तरीके से एक बार रीड आउट करनी है. चलो, रीड आउट करने के बाद में हम इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे. वी शैल ओवरकम. वी का मतलब होता है हम, शैल ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है कामयाब. वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब. वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब. वी शैल ओवरकम सम डे, हम होंगे कामयाब. समडे, समडे का मतलब है एक दिन, वन डे. ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे. ओ अरे डीप इन माई हार्ट, मुझे मेरी हृदय की गहराइयों तक ये विश्वास है. आई डू बिलीव, मुझे ये विश्वास है. बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास. और हार्ट का मतलब क्या होता है? हृदय. डीप का मतलब क्या होता है? गहराइयों तक. वी शैल ओवरकम समडे, कि एक दिन ऐसा आएगा हम क्या होंगे? कामयाब. ठीक है, पैराग्राफ शायद आपको समझ में आ गया होगा. इसका सेकंड देखते हैं. वी विल वॉक हैंड इन हैंड समडे. ओ डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव We will walk hand in hand someday. We will walk hand in hand. Hand in hand का मतलब क्या होता है? हाथों में हाथ रखकर. Walk यानी चलना. हम चलेंगे हाथों में हाथ रखकर. We will walk, हम चलेंगे hand in hand, हाथों में हाथ रखकर. We will walk hand in hand someday. और एक दिन हम चलेंगे हाथों में हाथ रखकर. Oh deep in my heart, मुझे मेरी हृदय की गहराई तक ये विश्वास है. I do believe, मुझे विश्वास है. We will walk hand in hand someday. हम एक दिन हाथों में हाथ रखकर चलेंगे. थर्ड पैराग्राफ देखते हैं. थर्ड इसका जो पोएम का पैराग्राफ वो देखते हैं. We are not afraid. Afraid का मतलब यहाँ पर है डरना, ठीक है? We are not afraid today. Oh deep in my heart, I do believe. We are not afraid today. We are not afraid, हमें डर नहीं है. We are not afraid, हमें डर नहीं है. We are not afraid today, आज हम डरे हुए नहीं हैं. और deep in my heart, मुझे मेरे हृदय की गहराइयों से I do believe, ये विश्वास है. We are not afraid today, आज हमें डर नहीं है. फोर्थ पैराग्राफ है हमारा. The truth shall make us free. The truth shall make us free someday. Oh, deep in my heart,
आई डू बिलीव द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समझे। द ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब है सच्चाई, शैल मेक अस फ्री वो हमें क्या करेगी, आज़ाद करेगी। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री कि जो हमारी सच्चाई है वो हमें क्या दिलाएगी, आज़ादी दिलाएगी। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री जो हमें आज़ादी दिलाएगी वो किस, आज़ादी मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी, सच्चाई की वजह से मिलेगी। और ये एक दिन ऐसा होगा, और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, मुझे मेरी हृदय की गहनतम गहराइयों से ये विश्वास है, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे, कि हम एक दिन ऐसा आएगा कि हम सच्चाई की वजह से क्या होंगे, आज़ाद होंगे। वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस, वी शैल लिव इन पीस समडे, ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल लिव इन पीस समडे। पीस, पीस का मतलब होता है शांति, और लिव, एल आई वी ई, लिव का मतलब होता है रहना। वी शैल लिव इन पीस, हम शांति से रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस, हम शांति से रहेंगे। वी शैल लिव इन पीस समडे, एक दिन ऐसा आएगा कि हम शांति से रहेंगे। और डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल लिव इन पीस समडे, मुझे मेरी हृदय की गहनता से ये पता है और ये विश्वास है कि वी शैल लिव इन पीस समडे, कि एक दिन ऐसा आएगा हम शांति से रहेंगे। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड आवर पोइम, अब हम इसकी एक्टिविटी फर्स्ट और इसकी एक्टिविटी सेकंड कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले आप पोइम को राइट करोगे, राइट करने के बाद में राइट कैसे करना है, बोलकर, ठीक है, बोल के आप राइट करोगे, और राइट करने के बाद में इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके देखिएगा। यदि आप कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हो, इन दैट केस प्लीज़ आप नोट बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।